Hello students, today we are going to study the 11th class next video lecture और आज हम 11th class के एक next video lecture को लेके आए हैं जिसके अंदर हम study करेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में, हंट्स रूल के बारे में और अबव प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर अबाउट द क्वांटम नंबर्स। ठीक है, हम क्वांटम नंबर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्वांटम नंबर बेसिकली कितने होते हैं, फोर होते हैं और कौन कौन से, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और दैट इज ए स्पिन क्वांटम नंबर। ये हमारे चार प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे ये किसने, पॉली ने एक प्रिंसिपल दिया था जिसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या बताया गया था, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे जो हमारी केमिस्ट्री की बैकबोन मानी जाती है। और एंडिंग में इस वीडियो के लास्ट में मैंने एक टेबल आपको दी है जिस टेबल के अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो वेरिएबल एलिमेंट्स की उनको लिख सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे ही हम सीनियर क्लासेस में या कोई भी एग्जाम के लिए जाते हैं तो उस टेबल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो हमें वैसे भी आनी चाहिए और राइट भी करनी है। तो चलिए अब बात करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है, इन 1925 पॉली गिव्स ए प्रिंसिपल उन्होंने 1925 में एक प्रिंसिपल दिया था, अकॉर्डिंग टू इट टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम डज नॉट हैव ऑल क्वांटम नंबर सेम, दैट इज द रूल गिवन बाय पॉली। पॉली ने क्या बताया था स्टूडेंट, क्यों उन्होंने बताया कि अगर हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, हमने एक एटम का न्यूक्लियस कंसीडर कर लिया, अगर हम क्या करते हैं इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करते हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है वो रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर दो इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं या एक एटम के जो चारों के चारों क्वांटम नंबर होते हैं, यानी कि चारों क्वांटम नंबर क्या है, एन एल एम एस। ठीक है, ये चारों क्वांटम नंबर हैं वो एक एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं हो सकते, यानी कि इनमें से कोई ना कोई डिफरेंट जरूर होगा तभी एक एटम है अच्छे से लाई कर सकता है, ट्रूली एग्जिस्ट कर सकता, अदरवाइज इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ये किसने बताया था, पॉली नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। तो इससे क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स, इससे कंक्लूजन अगर हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम ऑलवेज हैव अपोजिट स्पिन टू ईच अदर। यानी कि अगर दो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो अगर ये इलेक्ट्रॉन मान लो हमारा इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करेगा, एक प्रकार से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना पसंद करेगा। तो ये था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। पॉली ने बताया कि दो इलेक्ट्रॉन हैं एक एटम के, वो सेम स्पिन से नहीं घूमेंगे, उनकी स्पिन में भी अपोजिट, उनकी स्पिन क्या होगी, हमेशा उल्टी होगी, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्लॉकवाइज हो जाएगा। दैट इज द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये सिंपल सा प्रिंसिपल था जिसको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहा जाता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट और आगे जानने की कोशिश करते हैं हमें अबव प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में हम समझने की कोशिश करते हैं अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल, अबव वर्ड एक था क्या, अबव खुद ही एक जर्मन वर्ड है
जर्मन वर्ड मीन्स बिल्डिंग अप। क्या मतलब है इसका कि बिल्डिंग अप कि हमें बनाने हैं, फिलअप करने हैं। इट मीन्स फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इसका मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स से ऑर्बिटल को भरना होता है। अब इसने रूल्स ने क्या स्टेट किया, इट स्टेट दैट व्हेन वी आर फिलिंग द ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स वी स्टार्ट फिलिंग फ्रॉम द लोवेस्ट एनर्जी लेवल टू द हाइएस्ट एनर्जी लेवल। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट कि आप जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना शुरू करते हैं किसके अंदर, ऑर्बिटल्स के अंदर, तो अगर हम ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू करते हैं तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले लो एनर्जी लेवल यानी छोटे जिसकी लो ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे जिसकी लो एनर्जी होगी, उसके बाद उसे हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, उसके बाद उसे हायर वाले एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते जाएंगे। यानी कि पहले नीचे वाले को भरेंगे जिसकी एनर्जी कम है, फिर उससे थोड़े से ऊपर वाले को, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर और फिर उससे ऊपर। यानी कि इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते चले जाएंगे। बात समझ रहे हैं? ओके। अब इसी में आपा प्रिंसिपल में एक रूल और आता है स्टूडेंट, उस रूल को हम क्या बोलते हैं, इसी का एक सब पार्ट रूल आता है, दैट इज एन प्लस एल रूल। एन प्लस एल रूल क्या करता है, इट स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स बाय द सम ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। यानी कि विच हैव द विच गेट द लोएस्ट वैल्यू। अब n प्लस एल यानी n प्लस एल को जोड़ते हैं, अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर को ऐड करते हैं और उनका सम अगर लो आता है, दो एलिमेंट के हमने n प्लस एल को जोड़ा यानी दो एलिमेंट हैं उनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर्स को जोड़ा और दोनों में एक का n प्लस एल कम आया, एक का n प्लस एल ज्यादा आया, तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे, n प्लस एल वाले में, यानी n प्लस एल जिसका कम है जिस ऑर्बिटल का उसमें इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर दिया जाएगा। अरे इसमें एक स्पेशल केस होता है, इन केस इफ n प्लस एल वैल्यू ऑफ एटम्स आर सेम देन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड एन लोअर वैल्यू क्वांटम नंबर कैरिंग एटम। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, अगर हमारा केस ऐसे होता है जिसमें एन प्लस एल की वैल्यू, मान लो एन प्लस एल है, एन की वैल्यू वहां पे आ गई हमारी चार और L की वैल्यू आ गई हमारी एक, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई मान लो तीन, ठीक है, तो ये आ गई टोटल वैल्यू सात आ गई है, ठीक है। अगर हमारी यहां पे वैल्यू आ जाती है किसी और एलिमेंट की, अगर हम मान लो इसकी पांच थी और इसकी तीन थी, आठ मान लेते हैं हम, इसकी आठ वैल्यू आ गई है, तो अगर किसी की वैल्यू हम देखते हैं इस प्रकार से
कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 4 और एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी है 4, दैट इज 8, दोनों की अगर 8 वैल्यू आ गई तो इसमें पहले फिलअप करेंगे क्योंकि n की वैल्यू यहां पे क्या है 4 है, छोटी है, जिसमें n की वैल्यू छोटी होती है स्टूडेंट्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन उसी के अंदर फिलअप होंगे, यानी कि हमें याद रखना है कि n की वैल्यू जहां पर छोटी होती चली जाएगी, n की वैल्यू जिसमें सबसे कम होगी उसी एटम के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप होने शुरू कर दिए जाएंगे, दैट इज द n प्लस l रूल। इसको क्या बोला जाता है? n प्लस l रूल बोला जाता है। आइए चलते हैं आगे समझते हैं। एक सीरीज हम बना सकते हैं, तो उसको बनाने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला हम बना सकते हैं, जैसे हम 1s 2s 3s 4s 5s 6s एंड 7s ऐसे बना लेते हैं। साथ में बनाते हैं 2p 3p 4p 5p 6p 7p ठीक है। फिर ये s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल ऐसे ही d ऑर्बिटल बनाते हैं 3d 4d 5d 6d ऐसे ही हम f ऑर्बिटल बनाते हैं 4f 5f ठीक है। इस प्रकार से हम ऑर्बिटल बनाते हैं। तो आपका प्रिंसिपल क्या स्टेट करता कि जिसकी एनर्जी सबसे कम है पहले उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करेंगे, यानी कि सबसे पहले एनर्जी कम किसकी है? s ऑर्बिटल की एनर्जी कम है ठीक है, इसको फिलअप करेंगे। उसके बाद एनर्जी दूसरे s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल की कम है उसमें फिलअप करेंगे। फिर एनर्जी 3s ऑर्बिटल की कम है 2p 3s आफ्टर दैट 3p 4s आफ्टर दैट 3d 4p 5s आफ्टर दैट वी विल फिल 4d 5f 6s। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स को हमें फिलअप कर सकते हैं, यानी कि अगर इनको समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर सकते हैं। ये हमारा आपबाव प्रिंसिपल स्टेट करता है, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करने की कोशिश कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल, तो अगर हम उनके इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के बेसिस पे फिलअप कर रहे हैं तो उनको इस प्रकार से फिलअप करेंगे, यानी कि फर्स्ट 1s में फिर 2s में फिर 2p में फिर 3s में फिर 3s के बाद 3p में उसके बाद 4s के अंदर उसके बाद 4s से हमारा फिलअप करेंगे 3d में 3d के बाद 4p में 4p के बाद 5s में 5s के बाद हम किस में फिलअप करेंगे 5s के बाद हम करेंगे 4d के अंदर 4d के बाद हम किसके अंदर करेंगे 5p के अंदर फिर 6s के अंदर 6s के बाद हम किस में फिलअप करेंगे 6s के बाद हम फिलअप करेंगे 4f के अंदर 4f के बाद 5d के अंदर 5d के बाद हम किस में फिलअप करेंगे 6p के अंदर 6p के बाद हमें 7s के अंदर 7s के बाद हम किस में फिलअप करेंगे 5f के अंदर 5f के बाद हम किस में फिलअप करेंगे 6d में और 6d के बाद हम किस में फिलअप करेंगे 7p में। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स को हमें फिलअप करेंगे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग देयर एनर्जी लेवल, दैट इज द अबव प्रिंसिपल। ये हमारा अबव प्रिंसिपल था जो हमें स्टेट करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को हम इस प्रकार से फिलअप करते चले जाएंगे, इस प्रकार से इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में हम फिलअप करेंगे ओके। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते स्टूडेंट्स एक अनदर रूल है। उस रूल का नाम स्टूडेंट्स हॉर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हॉर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या स्टेट करता है स्टूडेंट कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने की कोशिश करते हैं पी ऑर्बिटल के डी ऑर्बिटल के एफ ऑर्बिटल के कैन नॉट अकर अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ गिवन सबसेल
कंटेन्स क्या कर ले वन इलेक्ट्रॉन, यानी कि ईच ऑर्बिटल ऑफ पी डी पी एंड एफ कैन नॉट बी फिल्ड कंप्लीटली एंटिल ईच सबसेल कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अगर हम बात करते स्टूडेंट डी पी डी एफ ऑर्बिटल की कि इन ऑर्बिटल के अंदर हम कैसे इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं, तो अगर मानते हैं केस लेते हैं, अगर एग्जांपल हम लेते हैं नाइट्रोजन का, ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। अब इसके इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करेंगे, हम ऑर्बिटल बनाते हैं दैट इज 1s 2s एंड दैट इज, अब क्या होगा हमारा जो हमने कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम पढ़ गए हैं 2p, ठीक है। अब इनके तो अंदर सिंगल रहेगा, इसके थ्री पार्ट के अंदर ये डिवाइड हो जाएगा p ऑर्बिटल करता है 2px 2py एंड 2pz, ठीक है। अब 7 इलेक्ट्रॉन है तो पहले s ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है, s ऑर्बिटल में हम कितने फिलअप कर सकते हैं, s ऑर्बिटल में 2, p ऑर्बिटल के अंदर हम कितने p ऑर्बिटल में हम कितने फिलअप कर सकते हैं 6, d ऑर्बिटल में हम कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं 10, और f ऑर्बिटल में हम कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं दैट इज 14, ये इतने इलेक्ट्रॉन हम फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया, अब कंप्लीट ऑर्बिटल था एक और फिलअप हो गया, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए, इसके अंदर भी हमारे एक और एक दो हो जाएंगे। अब इसमें बोला कि डी पी एंड एफ कैन नॉट बी फिल्ड कंप्लीटली अंटिल ईच सबसेल कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनके हर एक सबसेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, हम ऐसे नहीं, अब हमारे पास कितने बचे, दो और दो चार हो गए, यानी तीन इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, अब हमारे पास क्या है यहां से तीन इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं टोटल, ये तीन इलेक्ट्रॉन है। अब तीन इलेक्ट्रॉन को हमें इसके अंदर फिलअप करना है, तो इसको हम इस प्रकार से फिलअप नहीं करेंगे कि ऐसे मान लो एक दो और ऐसे, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर ऐसे हम फिलअप करेंगे। हम क्या करेंगे, हंस रूल यही स्टेट करता है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं तो पहले हमें एक इलेक्ट्रॉन को एक सबसेल में, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे सबसेल में, एक इलेक्ट्रॉन को तीसरे सबसेल में, यानी कि तीनों को इंडिविजुअल सबसेल्स के अंदर हमें फिलअप करेंगे, अगर उसके बाद भी कोई इलेक्ट्रॉन बच जाता है देन पेयरिंग विल बी स्टार्ट, तब उनकी पेयरिंग होनी शुरू होगी, अदरवाइज हम पेयरिंग उनकी नहीं करवाएंगे, पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, यानी कि P, D और F ऑर्बिटल में पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद ही पेयरिंग अब हम स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द हंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, ये हंस का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल है। अब आपको जो टेबल है उस टेबल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे उस टेबल को अपने फेयर नोटबुक में जरूर बनाएं, ट्राई करें इन तीनों रूल्स को भी याद करने के लिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।